केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। अभी हम लोग राजमहल लोकसभा क्षेत्र में हैं और इस लोकसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता लोबिन हेमरम, अब जेएमएम के नेता नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये अब वहां से निलंबित हो चुके हैं, लेकिन चुनावी दंगल में है लोबिन हेमरम, कैंची छाप। तो इस बार कैंची किसको काटेगा ये देखने की बात, कैंची छाप किसको काटेगा, ताला काटेगा या कमल फूल का जड़ काटेगा। देखिए, जो भी लोग यहाँ के लोगों को हमेशा ठगते हुए आया है, हाँ। पिछले 30-40 सालों से जिन्होंने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है, अब प्रतिनिधित्व के नाम पर यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया है, काटने का काम किया है, चूसने का काम किया है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे वो भाजपा पार्टी हो, जो भी सामने है अभी लड़ाई का मैदान में जिनको भी लगता है निशाना उन्हें वहीं पर जाएगा। लोबिन हेमरम राजमहल में कोई फैक्टर है या ऐसे हवा में है? लोबिन हेमरम जमीनी नेता है, हाँ। जल जंगल जमीन की आवाज है, हाँ। स्थानीय नीति की आवाज है, हाँ। नियोजन नीति की आवाज है, हाँ। झारखंड में एकमात्र नेता है लोबिन हेमरम, और बाकी सब नेता के नाम पर केवल यहाँ के लोगों को ठगने का काम करते हैं। कल्पना सोरेन लगातार कैंप कर रही है, कह रही है कोई नहीं है टक्कर में, गुरुजी का है राजमहल, गुरुजी का रहेगा। देखिए, उनके कहने से थोड़े ना होगा, यहाँ लगातार बहु बेटियों का बलात्कार होता है, यहाँ हमेशा युवाओं को ढकने का काम किया गया। झारखंड सरकार ने जो चुनाव से पहले वादा किया था कोई भी पूरा नहीं किया, यहाँ हमेशा माँ बेटियों को रुलाने का काम किया गया, लेकिन उस समय कल्पना सोरेन का आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं निकला। आज जब भ्रष्टाचार के आरोप में बड़े भाई हेमंत जी जेल के सलाखों के पीछे कैद है, तो आज वो बड़े बड़े मंचों से अपना आंसू बहा रही है, ये सब जनता जानती है, जवाब देने का काम करेगी। जेएमएम के लोग कहते हैं, संथाल के लोग जितने हमारे भाई बंधु हैं सब घूम किसी के साथ लें, लेकिन भुटवा तीर धनुष पर जाएगा। देखिए, समय बदल चुका है, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। एक समय सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान हुआ करते थे, आज वो क्रिकेट के फील्ड से बहुत दूर हैं। इसलिए भ्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा के लोग ना रहे कि जैसा चलता था वैसा ही चलेगा, इस बार उनको जवाब देने का काम यहाँ के जनमानस, यहाँ के युवा, यहाँ के जनता करेंगे। और राजमहल लोकसभा पर पहली बार एक नया इतिहास लिखने जा रहा है, क्योंकि राजमहल लोकसभा से शेर अब निकल चुके हैं, दिल्ली की दरवाजे पर दहाड़ेंगे। दरवाजे पर दहाड़ेंगे, क्या कहेंगे? जिस प्रकार जनसैलाब देखा जा रहा है यहाँ पे, हाँ। जनसैलाब देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि लोबिन हेमरम दिल्ली पहुँचने में आप कोई रोक नहीं सकता है। लोबिन हेमरम कहाँ, रांची या दिल्ली? दिल्ली। दिल्ली जाएगा, कहाँ जाएगा लोबिन हेमरम? दिल्ली जाएगा, काम हम करेंगे, दिल्ली जाएगा। अब देखिए ये लोग क्या कह रहे हैं, लोबिन हेमरम अब दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में दहाड़ेंगे, राजमहल से लोकसभा के बाद बनेंगे। बिल्कुल, राजमहल ही नहीं, तमाम आदिवासी मूलवासियों का यह आवाज है, और यह आदिवासी मूलवासियों का आवाज ये पहली बार हम लोग को सौभाग्य मिलेगा कि दिल्ली में हम लोग सुन सकेंगे। चलिए दिल्ली में सुन, कौन जीतेगा? लोबिन हेमरम एकदम जीतेगा। लोबिन हेमरम कौन जीतेगा? लोबिन हेमरम कौन? लोबिन हेमरम की आवाज कोई यहाँ झारखंड में नेता ही नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई नहीं है। शुरू से एक एमएलए का कलेजा है तो बाहर, मतलब विधानसभा के बाहर में गंजी पहन के धरना में बैठने वाला एक लोबिन ही सिर्फ है। लोबिन ही सिर्फ कह रहे हैं, लेकिन समझिए, एक तरफ मोदी जी की गारंटी, एक तरफ राहुल की गारंटी, बीच में लोबिन रहेंगे बीच में, क्या लगता है? जब मोदी की गारंटी है, देखिए गारंटी फुसफुस है, यहाँ गारंटी फुसफुस एकदम फुसफुस है। पिछले 10 सालों से यहाँ कौन है केंद्र में? मोदी जी हैं, हाँ। और जब से यहाँ आजादी मिली है तब से तो कांग्रेस सत्ता से संभाल रही है, हाँ, हाँ। फिर नया युवकों को, नया नेता को उभरने का मतलब क्या है? आखिर उन लोगों ने उतना सालों से यहाँ पर शासन किया है, शासन के नाम पर यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया, तभी तो एक नया आवाज उभर कर आई है। नया आवाज उभर कर आई है, इस बार इनके कार्यकर्ताओं में, लोबिन हेमरम के कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो देखने के लायक है। कार्यकर्ता कह रहे हैं तीर धनुष नहीं चलेगा, कमल को कैंची काटेगा, तीर धनुष भी कैंची काटेगा, रस्सी काट देगा, दोनों का तीर धनुष की रस्सी कैंची काट देगा और कमल का जड़ भी कैंची काट देगा। और लोबिन हेमरम राजमहल लोकसभा की आवाज बनकर
झारखंड की आदिवासियों की आवाज बनकर इस बार लोकसभा में दिल्ली में दहाड़ने के लिए तैयार हैं और राजमहल लोकसभा की जनता ने मन बनाया है। ये कहना इनके कार्यकर्ताओं का कि इस बार राजमहल लोकसभा की जनता ने मन बनाया है, आदिवासियों ने यहाँ का मन बनाया है कि इस बार लोबिन हेमरम को ही दिल्ली भेजेंगे और आदिवासियों की समस्याओं की, जल जंगल जमीन की बात करने वाले नेता दिल्ली में अब दहाड़ने को तैयार बैठे हैं। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।